दोस्तों आज डिज़ाइन एंड ड्राफ्ट पेपर का तीसरा पार्ट हम दिखाएंगे बन, और इसमें ये टेक्निक है जिसमें डिज़ाइन जितना बड़ा हमने कागज़ पे तैयार किया था इसका आधा वो फैब्रिक पे आएगा। इस टेक्निक का नाम है एक तारा। इसमें ये टेक्निक है, पहला दूसरा आपने देख ही लिया और ये आप देखेंगे आप आज तीसरा टेक्निक जिसमें दो हुक का यूज करते हैं और टोटल हार्नेस की संख्या दो है, हुक की संख्या दो है, पर ये एक ही डेंट से पास होगा, एक ही डेंट से पास करते हैं। इसके पहले आपने वीडियो देखा था उसके दो डेंट से पास किया गया था, एक हुक था, दो हार्नेस था और दो अलग अलग डेंट से पास किया गया था। और जो पहला टेक्निक आपने देखा था, टेक्निक वन, एक हुक, एक हार्नेस और एक ही डेंट से पास, पर आज हम इस टेक्निक का दिखाएंगे, बताएंगे आपको इसमें ग्राफ पेपर क्या होगा, इसमें दोस्तों रीड पिक हमारा वही है जो पिछले दो वीडियो में आपने देखा, रीड 80 पिक 60। इसमें जो बेस हमारा ग्राफ पेपर जो लग रहा था वो 12-18 का लग रहा था, पर इस वीडियो में हमने बताया वो डिजाइन आधी रह जाएगी। पेपर पे हम 1 इंच का डिजाइन बनाते हैं और फैब्रिक पर ये 1/2 इंच का आ जाएगा। अब ये दोस्तों आप देखिए कि अगर रीड हमारा 80 है यानी 1 इंच में 40 डेंट होंगे और 60 पिक। जब अगर 40 डेंट हैं, 40 हुक यूज करेंगे तो अब ये देखिए 40 हुक अगर यूज करते हैं और उसको 20 डेंट से हम पास करेंगे, एक डेंट में दो हार्नेस, दो हुक के जो हार्नेस है वो पास किए गए, तो 40 हुक के जो हार्नेस होंगे वो 20 डेंट से पास होंगे। इस तरह से मेरा चौड़ाई आधा हो जाएगा और जब चौड़ाई आधा हो जाएगा तो हमारे जो ग्राफ पेपर हमने 12-18 बताया था तो अब 12-9 का हो जाएगा। इसको ग्राफ पेपर पे हम दिखाते हैं आपको, ठीक है दोस्तों, मेरे डिजाइन में ये 12-18 पे और इसको हम 12-9 पर ये बनाएंगे, हमारी डिजाइन यहाँ पे आधी दिख रही है। अब इसको हम क्योंकि लैपटॉप पे दिखाते हैं, अभी तो ये ग्राफ पेपर पे है, लैपटॉप पे भी हम दिखाएंगे, यही चीज दिखेगा और अच्छी तरह से आपको दिखाएंगे। दोस्तों ये तीसरा टेक्निक हम दिखा रहे हैं आपको जिसमें बाई तरफ की दोनों डिजाइनें आधी हो जाएंगी चौड़ाई में। देखिए दोस्तों बाई तरफ की दोनों डिजाइनें चौड़ाई में आधी हो गई है। अब ये डिजाइन अच्छा नहीं लग रहा है पर ऊंचाई में भी उसी तरह से आधी हो जाएंगी तो मेरे डिजाइन सही लगेगा। अभी हम दिखाते हैं आपको, ये देखिए दोस्तों ऊपर बाई तरफ, ऊपर बाई तरफ जो डिजाइन दिख रहा है वो एक्चुअल डिजाइन है।
हमने नीचे बाई तरफ पहले जो डिज़ाइन दिखाया वो चौड़ाई में आधा हो गया था, और ऊपर दाहिनी तरफ जो डिज़ाइन दिख रहा है वो ऊंचाई में आधा हो गया। दोनों अधूरे डिज़ाइन हैं। नीचे मेरा दाहिनी तरफ जो डिज़ाइन दिख रहा है नीचे की तरफ, वो मेरा एक्चुअल डिज़ाइन था। जब हम एक तारा टेक्निक का यूज़ करेंगे तो ऊपर जो डिज़ाइन दिख रहा है बाईं तरफ वो इस तरह से हो जाएगा। अब हम सॉफ्टवेयर का और मैनुअली तैयार किया गया दोनों डिज़ाइन हम दिखाते हैं आपको एक जगह। ये देखिए ऊपर का डिज़ाइन है सॉफ्टवेयर का तैयार किया हुआ, और नीचे मैनुअली तैयार किया गया। थैंक यू दोस्तों।